हेलो दोस्तों, मैं अंजलि एक नया वीडियो लेके आई हूँ। जब से हमने हैरी पॉटर बुक्स पढ़ी है या मूवीज देखी है, हम सभी डायगोन एली यानी छूमंतर गली जाना चाहते थे। एक ऐसा मार्केट जहाँ से जादूगर जादूगरी से रिलेटेड सबसे ज्यादा सामान खरीदते थे, खासकर हॉगवर्ट्स जाने वाले बच्चे, जहाँ हैरी को फॉस्टिग्यू फ्री आइसक्रीम देता था, जहाँ वो हर दुकान में जाकर कुछ न कुछ खरीदना चाहता था, फिर वो स्कूल से रिलेटेड चीजों या फिर क्विडिच से। ये एक ऐसी गली है जो कि मगल वर्ल्ड से पूरी तरह छिपी हुई है और इसे लीकी कॉल्डरन यानी कि रिश्ती कढ़ाई के अंदर से जाना होता है। लीकी कॉल्डरन अकेला ऐसा जादूगरों का पब है जिसे 24 आवर्स खुले रहने की इजाजत है और यहाँ कुछ कमरे भी है जहाँ आप कुछ दिन के लिए रह सकते हैं। ये लंदन के चेयरिंग क्रॉस रोड पर है और ऐसा माना जाता है कि ये वहाँ पर बनने वाली सबसे पहली दुकान में से एक था, क्योंकि इसका रियल एड्रेस शॉप नंबर 1 चेयरिंग क्रॉस रोड है। बाद में जब चेयरिंग क्रॉस रोड पर और दुकानें खुली तो किताब की दुकान और रिकॉर्ड शॉप के बीच में लीकी कॉल्डरन रह गया। और ये मगल वर्ल्ड से पूरी तरह छिपा हुआ है, इसलिए लोगों को इसके आसपास की दुकानें दिखती हैं और बीच की दुकान दिखाई नहीं देती। ये सिर्फ जादूगरों को ही दिखती है। दुकान के अंदर जाकर पीछे की वॉल पर डिसाइडेड ब्रिक को नॉक करना पड़ता है जिससे कि दीवार खुल जाए, और उस दरवाजे के पीछे ही डायगोन एली है। डायगोन एली की सबसे पुरानी बिल्डिंग ग्रीन कॉर्ट्स बैंक है, जिसका बेसमेंट बहुत दूर तक फैला हुआ है। दूसरी सबसे पुरानी बिल्डिंग ओलिवेंडर्स की मानी जाती है, जो कि छड़ी की दुकान है, जो 4th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट की है। हैरी पॉटर टाइमलाइन में यहाँ टोटल 33 दुकानें थी। जैसे ही रिश्ती कढ़ाई से छूमंतर गली में एंट्री लेते हैं, सामने जहाँ रोड एंड होता है वहाँ पे ग्रीन कॉर्ट्स बैंक दिखता है और बाकी की दुकानें रोड की दोनों तरफ दिखती हैं। सबसे पहली दुकान क्रैनविल क्विम्सी की मैजिकल जंक शॉप है, जहां पुरानी कलमें, झाड़ूएं और दूसरे टूटे हुए जादूगरी के सामान बेचे और खरीदे जाते हैं। उसके बाद शुगर प्लम की स्वीट शॉप है, जहां जादूगरी दुनिया की मिठाइयां, चॉकलेट और बाकी स्वीट्स मिलते हैं। उसके बाद पॉटेज की कॉल्डरन शॉप आती है, जहां से आप अलग अलग तरह की कढ़ाइयां खरीद सकते हैं, जैसे जस्ते की, तांबे की या फिर सोने की। ये कढ़ाई पोशन मेकिंग में काम आती है। उसके बाद आती है मैडम मेल्किन की दुशालों की दुकान। यहाँ हर ओकेशन के रोब्स यानी कि दुशाले मिलते हैं। हॉगवर्ट्स के मैक्सिमम बच्चे यहाँ से ही अपने रोब्स खरीदते थे। उसके बाद है ईलॉप्स आउल एम्पोरियम, यहाँ से ही हैरी ने अपने उल्लू हेडविक खरीदी थी। उसके बाद है वाइजेकर्स वीजलीज इक्विपमेंट की दुकान, जहाँ बहुत से छोटे मोटे जादूगरी के सामान मिलते हैं। उसके ही ऊपर है मिस्टर मलपेपर की एपोथिकेरी की दुकान, यहाँ जड़ी बूटी, दवाई और काढ़े मिलते थे। उसके बाद है स्लग एंड जिगर शॉप, जहाँ पोशन मेकिंग के इंग्रेडिएंट्स मिलते थे, जैसे चूहे की पूंछ, घोंगे, सांप की केचुली। उसके बाद मैजिकल मेनागरी की शॉप आती थी, जहाँ से स्टूडेंट अपने पेट्स लिया करते थे या फिर उससे रिलेटेड सामान, जैसे कि रेड टॉनिक्स, आउल नट्स, नीजल्स, कैट या दूसरे जानवर। उसके बाद है ग्रीन गॉड्स बैंक, जहाँ जादूगरों की तिजोरी होती थी, जिसमें वो अपने पैसे रखते थे या फिर कोई और इम्पोर्टेंट सामान जो वो दूसरों को ना दिखाना चाहते हों। इसे दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह मानी जाती थी, शायद हॉगवर्ट्स को छोड़कर। मैजिकल मेनागरी और ग्रीन गॉड के बीच एक रास्ता जाता था, जो कि नॉकटन एली यानी कि छूमंतर गली की तरफ ले जाता था, जो कि डार्क आर्ट से रिलेटेड सामान मिलने के लिए गली होती थी, जिसकी सबसे फेमस दुकान बर्गिन एंड बॉक्स की थी, जहाँ हैरी सेकेंड ईयर में पहुँच गया था। इसके अलावा वहाँ ड्रेको मेलफॉय भी गया था अलमारी ठीक करवाने। यहाँ ही उसने शापित हार भी लिया था और सिकुड़ा हुआ हाथ भी लिया था। और यही नहीं, यहाँ पे वोल्डेमॉर्ट ने स्कूल के बाद कुछ टाइम तक काम भी किया था। ग्रीन गॉड्स की दूसरी तरफ जो दुकान है उसमें सबसे पहले ब्रूम स्टिक्स शॉप है, जहाँ से लोग अपनी जादुई झाड़ूएं खरीदते थे। उसके पास ही फ्लोरिशन ब्लॉट्स की दुकान थी, जहाँ से बच्चे अपनी किताबें खरीदते थे। ये छूमंतर गली की सबसे बड़ी दुकानों में से एक थी। उसके पास ही स्क्रिबस राइटिंग इंस्ट्रूमेंट की भी शॉप थी, जहाँ से बच्चे अपने कलमे, क्विल्स, पार्चमेंट यानी चमपत्र खरीदते थे। इसके अलावा इंक या दूसरे स्टेशनरी के सामान भी। फिर आती है क्वालिटी क्विडिच सप्लाईज, ये भी जादुई झाड़ू की दुकान है पर बहुत ही फेमस है। बच्चों को ये बहुत ही अट्रैक्ट करती है क्योंकि यहाँ लेटेस्ट ब्रूम स्टिक्स आती थी और उन्हें डिस्प्ले में लगाया जाता था। इसके अलावा क्विडिच से रिलेटेड और भी सामान यहाँ पे मिलता था, जैसे झाड़ुओं की मेंटेनेंस किट। इसके पास की शॉप हुआ करती थी फ्लोरिन फॉस्टिक्यू की आइसक्रीम शॉप, जो हैरी की फेवरेट थी क्योंकि वो थर्ड ईयर में वहाँ ही बैठकर होमवर्क किया करता था और फॉस्टिक्यू उसे हर आधे घंटे में फ्री आइसक्रीम देता था और उसके होमवर्क में उसकी हेल्प भी करता था। बाद में फॉस्टिक्यू को वहाँ से
वोल्डेमॉर्ट के साथी घसीट कर ले गए थे, फिर उसका क्या हुआ कोई नहीं जानता। उसके पास की दुकान सेकेंड हैंड बुक्स की हुआ करती थी, जहाँ हॉगवर्ट्स की बुक के साथ साथ और भी कई सेकेंड हैंड बुक्स मिलती थी। और लास्ट पे दुकान थी कैंपल एंड जेब्स की जोक शॉप, जो कि एक जोक शॉप ही थी, पर फ्रेड और जॉर्ज की जोक शॉप के आगे कुछ भी नहीं थी। इसके अलावा एक हीलर शॉप थी जहाँ फ्री ट्रीटमेंट दिया जाता था। मैडम प्रिंपरनेल की ब्यूटीफाइंग शॉप थी, जो जादूगरनियों में काफी फेमस थी, क्योंकि यहाँ खूबसूरती के काढ़े और दवाइयाँ दी जाती थी, और यहाँ मस्से और पिंपल जैसी बीमारियों का इलाज किया जाता था। एक ऑब्सक्यूरियस बुक शॉप करके भी शॉप थी, जहाँ फेमस बुक्स मिलती थी, जो थोड़ी खतरनाक भी होती थी, पर पॉपुलर बुक्स जैसे फैंटास्टिक बीस्ट एंड वेयर टू फाइंड देम भी यही मिलती थी। ओलिवेंडर की दुकान अकेली ऐसी दुकान थी जहाँ छड़ियाँ मिलती थी। ये उनका खानदानी काम था, वो 382 BC से छड़ियाँ बना रहे थे। रोजाली टी बैग शॉप थी, जो कि एक टी शॉप थी, और उसका एक ब्रांच हॉग्समेड में भी था। सेकेंड हैंड दुशालों की भी दुकान थी, जहाँ से मिसेस वीजली ने रॉन के लिए रोब्स खरीदे थे। टेरर टूर्स था, जो कि ट्रेवल एजेंसी थी विजार्ड ऑफ विचेस के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ प्रेस है, जो कि पब्लिशिंग हाउस है मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक का। डेली प्रॉफिट का मेन ऑफिस भी यहीं पे है। 12 फिट एंड टैटिंग शॉप भी थी, जो कि मैडम मेल्किन की दुकान की तरह रोब्स और क्लोदिंग की शॉप थी। और यहाँ पे नासिसा मेलफॉय टाइप की प्योर ब्लड विचेस अपने बच्चों के लिए रोब्स लेना पसंद करती थी। विजार्ड बुक एक पब्लिशिंग हाउस है, जहाँ पे विजार्डिंग बुक्स पब्लिश होती है। ये शायद आखिरी दुकान है डायगोन एली की, क्योंकि इसका एड्रेस 129B है, और इसके आगे के नंबर की कोई भी शॉप नहीं है। और सबसे भड़कीली चमकीली कॉर्नर में बनी दुकान है वीजली विजार्ड वीजीज की, यानी कि वीजली भाइयों की दुकान। ये भी एक जोक शॉप है, जो बहुत ही फेमस है प्रैक्टिकल जोक्स के लिए, जैसे कान लंबे करना, रीयूजेबल हैंडमैन, वंडर विच पोशंस, लव पोशंस, 10 सेकंड पिंपल रिमूवर, और ऐसे ही चीजों को बेचने वाली शॉप। तो ये थी सारी दुकानें छूमंतर गली की। इसके अलावा छोटी मोटी दुकानें और ठेले भी थे खाने पीने के, और जो सामान सड़क किनारे बेचे जाते थे उसके, जैसा कि हर गली में होता है। तो दोस्तों, ये थी बात डायगोन एली की। आपका क्या सोचना है इस बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। मैं जल्दी ही नए वीडियो के साथ फिर आऊंगी, तब तक के लिए बाय बाय।